मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल के शोर शराबे के बीच मोहन यादव सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। मोहन यादव सरकार का बुधवार को पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। इस बजट को अंधो संरचना विकास के साथ ग्रामीण विकास, कृषि, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर खास जोर दिया गया है। बीते साल का बजट 2,81,554 करोड़ का था। वित्त मंत्री देवड़ा जब बजट पेश कर रहे थे, इस दौरान कांग्रेस की ओर से जमकर हंगामा किया गया और नर्सिंग घोटाले को लेकर कई आरोप लगाए गए। इस दौरान कांग्रेस और सत्ता पक्ष बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई। नए बजट में रखा गया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का लक्ष्य, राज्य की अंधो संरचना का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण और लगभग 2000 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का लक्ष्य है। राज्य में सिंचाई क्षमता के विकास पर जोर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य के तहत 133 सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है। वहीं बुलंदखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना के जरिए इस इलाके की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेश किए गए बजट के अनुसार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार पर सरकार का जोर है। राज्य में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है और उपचार के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके शव को घर तक पहुँचाने के मध्य प्रदेश शांति वाहन योजना प्रारंभ की गई है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने दिया जोर। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र पर भी सरकार का जोर है और आगामी वित्त वर्ष में स्कूल शिक्षा के अंतर्गत 150 सीएम राइस विद्यालय नवीन शाला और 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन सुविधा लागू की गई है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में 11,000 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जारी है। सामाजिक न्याय के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह की योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बीते साल से बजट को 3 गुना ज्यादा किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार में आज बजट पेश हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के सारे बजट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट ये पेश होना, ये मध्य प्रदेश का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इस बजट की खास बात है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया, दूसरा किसी विभाग की कोई भी मांग को कम नहीं किया गया बल्कि हर विभाग की मांग को बढ़ाया गया, क्योंकि बजट की थीम ही विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीडीपी को जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है उसी भावना के अनुरूप हमने अपने बजट का लक्ष्य तय किया है कि आने वाले 5 साल में ये बजट 2 गुना किया जाएगा, अर्थात जीडीपी में हमारी भूमिका एक बड़ी भूमिका के रूप में बदलेगी। बजट की विशेषता है कि इसमें सभी वर्गों का, खास करके युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी प्रकार के लोगों का पर्याप्त ध्यान रखा गया। जहां एक तरफ नवीन तकनीक की तरफ भी ध्यान दिया गया कि पर्याप्त रूप से आईटी के सेक्टर में हम अपनी सरकार को आगे लेके बढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण के कई राज्य आगे गए हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संभावना है। उसके दूसरे उलट हमारे युवाओं के लिए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका रोल अदा हो, इसलिए सभी प्रकार की यूपीएससी या मध्य प्रदेश की किसी भी व्यावसायिक परीक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क न लेते हुए सभी युवाओं को सभी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, सभी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी और खास करके हमारे देश के और प्रदेश के अंदर युवाओं का अपना अपना योगदान मध्य प्रदेश का बढ़ाने के लिए एक दीर्घगामी योजना हमने बनाई है। एक बड़ा निर्णय और भी किया है कि जो बच्चे अपने हॉस्टल में आकर के पढ़ते हैं या अन्य जगह कोचिंग के लिए जाते हैं, इनकी भी पर्याप्त चिंता करने का काम के लिए राशि बजट में रखी गई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पशुपालन को लेकर के मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया भी बहुत बड़ा है, गांव की आबादी भी बहुत बड़ी है, हमारी कृषि विकास दर तो बहुत अच्छी हुई है लेकिन दूध उत्पादन के मामले में लंबे समय से अभी प्रोत्साहन के कई अवसर बाकी थे। हमारी सरकार ने पर्याप्त उनके लिए धनराशि दी है, जैसे फसलों के लिए दूध उत्पादन की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, इसी प्रकार से हम कृषि के आधार पर पशुपालन को भी देखने वाले हैं और ये दोनों इंडस्ट्रियों में बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पशुपालन के साथ साथ गौशालाएं भी जो संचालित की जा रही उनकी राशि को भी हमने
पर्याप्त रूप से रखा है ताकि गौशालाओं का संचालन अलग अलग संस्था है, गौशाला संचालन करने में पंचायत है, नगर निकाय है या कोई व्यक्तिगत स्तर पर भी करना चाहे तो उन संस्थाओं को भी हमारी सरकार प्रोत्साहन देने वाली है। हमारी सरकार ने निर्णय किया औद्योगिक निवेश को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए, इसलिए लगभग 40% की वृद्धि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने रखी है। इसमें तीनों प्रकार के औद्योगिक संभावना ली है, हेवी इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है और कुटीर और ग्रामोद्योग आधारित उद्योग को भी इसमें जोड़ा है। सेल्फ हेल्प महिलाओं से बहनों को लेकर के बड़ी राशि हमने रखी है, साथ ही साथ ऐसे कई पूंजीगत कामों के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखी गई है जिसके कारण से स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य होंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेसवे, जिसमें महाकौशल, चंबल, विंध्य, मालवा से जोड़ करके सीधे डायरेक्ट कनेक्टिविटी अपनी राजधानी से जुड़े, अर्थात इंटर कनेक्टिविटी के सभी क्षेत्रों में, उसमें हवाई सेवा भी होगी, उसमें मार्ग की भी सेवा होगी और भारत सरकार के साथ जुड़ करके रेलवे के भी विकास की बड़ी संभावना में सरकार ने इसका वित्तीय तरलता की पर्याप्त उपलब्धता रखी है।